सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हनी मई ब्लॉग। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आज है संडे और संडे के दिन फंडे ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं गांव। अरे गांव कहाँ, गंगा जी जाने वाले हैं। और अभी तो हमको गंगा जी के रास्ते में पहुँचा नहीं, नींद आ गया हमको। बहुत नींद आता, बहुत थके हुए इंसान है हम, बहुत लेजी इंसान है ना, नींद आ जाते कभी कभार। बहुत नींद आता है, बहुत नींद। अभी तो गंगा नदी भी नहीं पहुँचे, गंगा नदी पहुँचते पहुँचते हम सो गए, तो क्या करेंगे हम, बताइए, बोलिए क्या करेंगे। अभी गंगा नदी हम लोग पहुँच रहे हैं, देखिए इधर से दक्षिण पूरम छठम छूरम छठम कछम चल जाना है का, ठीक है। उसके बाद आपका गंगा नदी आ जाएगा, सर्वनाम प्रकटम गंगा नदी आ जाएगा आपका। तो देखते हैं हम लोग का गंगा नदी कितना देर तक आता है। तब तक मैं अपनी बातों से आप सबको पकाना जारी रखती हूँ, ताकि मेरे तरह आप वापस तो ना सकें। मेरा का तो नींद इतना आ रहा, लग रहा अभी सो जाएंगे। और मेरा सोना नहीं है, मेरे को आप लोगों के लिए वीडियो डालना है। इतना मुश्किल करते हैं तब भी आपको वो लाइक छचक लाइक दे दिया जाता, चल मोंटाज नहीं करवा दिया जाता। कैसे दोस्त हैं आप लोग, ऐसा दोस्त कोई होता है क्या? आ हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब देखिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं घाट पे। हम लोग तो आ गए घाट पे। अब घाट पे जाके पहले मम्मी ये गंगा जी का पूजा कर रही है, उसके बाद हम लोग डुबकी मार मार के नहलाएंगे। मम्मी तो नहा ली है इसलिए अभी गंगा जी का पूजा कर रही है, उसके बाद मम्मी की मदद से हम डुबकी मार मार के नहलाएंगे, मार मार के। इधर देखिए पूजा कैसे होता है। पहले गंगा जी का बालू लेके छोटा छोटा गोल बना के, एक दो तीन चार पाँच छः को गोल बना के रख देने का, ठीक है। फिर सिंदूर लेने का, ठीक है, इस सबके ऊपर सिंदूर कर देने का, गंगा जी के पानी से ही सबको धो देने का। अरे हमको तो कुछ नहीं पता ही नहीं। अब देखिए ये सब होने के बाद फिर बिहारी जी और राधा कृष्ण को निकाल के रख देने का, क्योंकि ये सबका भी पूजा हो जाएगा। बाय वन गेट वन फ्री में पूजा हो जाएगा ये सबका भी गंगा मैया के साथ। बाय वन गेट टू फ्री में ये लोग का पूजा हो जाएगा, राधा कृष्णा और बिहारी जी का। तो मजा ही आ जाएगा। देखिए अब मम्मी पता नहीं क्या निकाल रही है, ये दवाई पढ़ाए और पूजा एक के जैसा है। मन नहीं करता पर करना पड़ता, पूजा तो मन करता बहुत ज़्यादा करना। ये बच्चिया को देखा ना, सारा फूल खराब कर और सारा सब भी करवा रही है। हम लगा तो पानी या पानी आ रहा है, लग रहा है गंगा जी ना आ रही है। हम लोग आ जा बचा, हम लोग आ रहे हैं तुम्हारे तरफ, ऐसा कर करके गंगा जी आ रही है हम लोग के पानी के तरफ। अब मम्मी पता नहीं क्या हाथ में सिंदूर, नहीं तो पता नहीं कैसा निकालती है, ठीक है। निकाल के सिंदूर निकाल ली, टीका निकाल ली, मेरे बिहारी जी को कर दी, राधा रानी को कर दी, कृष्णा को कर दी, सबको कर दी मम्मी। और देखते ही मम्मी क्या करते, ये बच्चियाँ बालों से खेल रही है, नहाते टाइम भाग जाएंगे कर रही थी, अभी नहाने डाल रही बाल इसका भी भंगा हुआ मेरी तरह। अब देखिए आप कितने अच्छे से पूजा करती है मम्मी। ही नाम छा सारे सा, ही नाम छा सारे सा। हम बैठे हुए हैं क्योंकि हमको भी जाना है नहाने के लिए। बाप रे बहुत टाइम, अभी फिर बिहारी जी का पूजा करेगी मम्मी, उसके बाद हम लोग नहाने जाएंगे। अभी तो हम ये पहन के नहाते टाइम दूसरा कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि ना इसमें नहा नहीं ना पाएंगे अच्छा था, इसलिए स्विमिंग पूल के लिए तीन तीन का कपड़ा लाए हैं। ऐसा दो को कपड़ा लाए हैं और एक हरा वाला लाए हैं। तो देखे गाइस, अभी उसमें सिंदूर टिकली सिंदूर फूल फाल इलायची मटर अदरक पता नहीं क्या क्या डाल रही थी। और अब हम लोग यानी ग्रीन वाला कपड़ा पहन के चले गए नहानी। एक मछली पहले, अभी थोड़ा सा इंटरवल ले रहे, इंटरवल है या मेरा पैर भिगा के डूबने इंटरवल। और अभी सब हमको बोल रहा जाने के लिए, उठ के मत नहा। तो हम बताए और आगे जाके बैठ गए, बाल वाल धो लिए, फिर उठ गए। आपको क्या लगता है, आप हम नहीं नहाएंगे?
ऐसा हो सकता है क्या? हाँ अभी देखिए ना हम क्या करते हैं, फिर जाके मम्मी इधर हमको बीच में ले गई है। बाप रे मम्मी डरो लगता है हमको नहाने में भी। इधर मम्मी पूरा बॉल में शैम्पू रगड़ रगड़ के नहला दे रही है। गंगा मैया से तो निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। जब भी हम जा रहे थे ना अंदर, लौड़ा तो गंगा मैया ऊपर भेज दे रहे फटाक से भेज के। पानी का प्रेशर इतना था ना इसलिए हम अंदर जा ही नहीं पा रहे थे। मम्मी तो ना मेरे बाल धो धो के रगड़ रगड़ के धो दिए। एक महीना का नहा के जाएंगे, कम से कम हम 2 घंटा नहाए हैं यहाँ पे, मेरी मम्मी का कहना है। और अब मम्मी तो शैम्पू ढंग से तो कर ही दिया। अब मैं इधर उधर देख रही हूँ घूम घूम के क्या हो रहा है इधर मेरे आस पगल में। मेरे आस पास दिन सारा हारा व दिन भज आ रहा, ऐसा करके देख लिया गया। अब यहाँ पे ना वो कीड़ा आ गया था तो उसका, हाँ हमारी मम्मी ना पानी से खेल रहे थे। मम्मी हम डूब जाएंगे। मेरे मजा आता है। फिर मेरी मम्मी मांगी एक और बॉटल, क्योंकि ऐसे तो हम नहा नहीं पाएंगे क्योंकि डर लग रहा है। पानी भर गया हमको नहला दे, अगर नहाते नहीं तो शैम्पू शैम्पू लगता ना बाल, इसीलिए मेरे घर तो ताली बजा गया। मेरी खुशी तो देख ही सकते हैं गंगा जी में नहाने की। मम्मी एक और बार चलेंगे फिर तो हम फिर सब बोल दें, क्योंकि पापा जाने के पहले बोल रहे इसलिए हम बोल दें मम्मी का एक और बार आएंगे मम्मी हम ही दौड़ आएंगे जाएंगे। मजा आता है। घर के बगल में तो ना रोज 4 से 5 घंटा किसी में नहलाते हैं नहाते, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। रोज बुरी सुने ना तो कभी भी आ सकते गंगा जी नहला रही है दूध का बाल्टी भर भर के। इधर हम खुद नहा रहे हैं, दूसरे को नहला रहे, कुछ पता नहीं है। अब देखिए लादो हमको अच्छे से, फिर एक डुबकी मार के चल जाएंगे। मेरा कहना था ये वो भी कहा आखिरी बार नहीं 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 अब जाऊँ मम्मी प्लीज़ एक डुबकी मम्मी एक डुबकी मरवा दो तुम हमको। बैठ ही नहीं पा रहे। वंस मोर वंस मोर बड़ा मजा आ रहा था। छबैक छबैक कूदने में पानी में एक मछली पानी में गई छबैक छबैक। अब ये देखिए गंगा घाट का नजारा। गंगा घाट का पानी एकदम पूरा शुद्ध शाकाहारी था, मतलब बहुत सुंदर पानी था इसका। गंगा घाट का पानी का तो मेरा आज बहुत मजा आया। और तो देखा ना कितना बड़का बड़का नाव, उधर जिस साइड उसका गांव है ना, उधर जिसका इधर रहता है जिस आदमी और जिसका गांव उस तरफ है वो छठ पूजा में जाता है। ये देखिए मैं टकला मैं टकला देख के मजा आया। मेरे से तो सबर किया नहीं जा रहा था, मन कर रहा है फिर से चले जाए, इसलिए हम फिर से चले गए पानी में ढक्कन लेने के लिए। बड़ा मजा आता है। अब ये देखिए इधर लेकर रख देने का बैगन, और फिर इसी के सहारे हम चले जा दे अंदर। ऐ कहा गए हम, अरे मम्मी पापा नहला दीजिए डुबकी मरवा दीजिए मरवा दिए। आई फिर नहा के निकल गए, पर हमको तो अभी और नहाना है। फिर बोल रहे फिर तो बोलेंगे नहलाने के लिए एक बार। बहुत ज़्यादा हो जाए मेरे को आइया, अगर हम वहाँ पर जाके खड़े होंगे तो डूबे जाएंगे हम तो। फिर से चले गए हम मम्मी के साथ फिर से नहाने। मजा आ रहा है डुबकी मार वाल के।
तुम क्यों मारे ना यो कपड़ा कंबल अम्बल सब इधर आगे धो रही है, लगता है ये धोबी घाट मना दिए ये लोग को, इसलिए ये लोग को बहुत डांट पड़ा। अब हम लोग फिर से चले जाएंगे पानी में। अभी तो मेरा डर का सीमा नहीं है, गंगा जी हमको बार बार ऊपर फेंका दे रही है। नहीं बना तुम ऊपर जा, बहुत छोटे है बेटा। गंगा जी हमको बार बार ऊपर बताए डुबकी मारो तो काले फेंक दे रहे। नहीं बेटा तुम बहुत छोटी हो, नहीं हो पाएगा तुमसे बेटा, नहीं हो पाएगा। हमको डर लग रहा है, ढंग से तो डुबकी भी नहीं मार पाए, बस पाल डुबार अच्छे से डुबकी नहीं मार पा रहे। अब अरे बाप रे, हमको नहाने ही नहीं आता, कैसे नहा देता, भी मजा आ रहा है। अब ये देखिए भूतनी कंचना, कैसे नहा रहे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत मस्त था गाइस। अब मम्मी छुटकी छुटकी टुकड़ी लगवा दी मेरे को, फिर मम्मी बहुत ठंडी है, मेरे को ठंडी लग जाएगी। फिर एक अच्छी से डुबकी लगवा दी मम्मी, और फिर बोले बचा बेटा जाओ, बेटा जाओ बहुत हो गया बेटा बेटा बेटा। लगता है एक साल का पाप यही पे धो लेंगे, सातों जन्म का पाप यही पे धो रहे हैं, इसलिए बाल मम्मी धो दे रही है मेरा। ऐसे बाल में पानी डाल डाल के हाथ से चुने, हम कभी डूबते डूबते बचे। और फिर मम्मी हमको नाचाते हुए भी यही से डुबकी बनवाने। अब ये देखिए मेरा स्टाइल, मेरा स्टाइल देखिए आप लोग, मेरा स्टाइल, अपन का स्टाइल अलग है बहुत ज़्यादा, इसलिए देखिए ना। और अब ये देखिए, जब हम पहली बार आके गंगा नदी में आए थे तब पुलिस उलिस सब कोई था, और बाल भी दही धोई थी मम्मी, और सब तो आप देखते तो शौक ही हो जाते, इतना सुंदर था ना गंगा नदी, यो बाप रे भाई साहब। और डरो लग रहा था हमको, इतना डर लग रहा था अभी डूब जाएंगे। अरे लगता था पता नहीं कहाँ से आ जाती है, पता नहीं ऐसे कमरे उठा उठा के सातों जन्म का कपड़ा एक के बार में ले आए। इधर तो हम पहली बार में बहुत डर गए, तो मम्मी डूब जाएंगे, मम्मी सीढ़ी नहीं है। अरे बेटा सीढ़ी है पीछे देखा, चलो 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 चलो, कर रही थी पर मेरे को तो सीढ़ी मिल भी नहीं गया, इसलिए मैं तो रोने लग गई। अब पापी जी मेरा रबर खोल दे, आप अच्छा का फेंक दे। अरे पापी और नहीं है सीढ़ी, आपको और नीचे जाने का मन था, पापी तो मेरा रबर खोल दी है, आप मेरा पाल को दिखा दिया, अरे गंगा भैया भी रबर चबा दिए, पापी आपको छोड़ कर चले। और फिर हम लोग का नहाना वहाना सब हो गया था, और अब हम लोग जा रहे हैं मम्मी के स्नान के लिए। इधर हम लोग डब्बा उब्बा लेकर पहुँच गए घाट पर, और घाट पर मम्मा देखे ना घाट तो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, क्या बोले इतने कुत्ता लेके आया, कुत्ता बोले तो कुत्ता। अरे मेरी बहन तो पीछे से जा रही धीरे धीरे कछुआ की तरह, पर हम मम्मी दोनों जा रहे हैं, अब बोल दे उधर वाले में जाना, उधर वाले में, उधर वाला साफ है। फिर हम लोग का स्नान स्नान सब कुछ हो गया था, इसलिए हम लोग गेट आउट निकल गए घाट पे से। अभी इंतज़ार हो रहा है गाड़ी का, अब हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। गाड़ी में बैठने के बाद सामने घोड़ा दिखा और सब गाड़ी दिखा, तो मैं बोल बोल के थक चुके हो, तो मेरी बहन बोलेगी पता है मेरी बहन जो पूर्वी है ना मेरे से ज़्यादा पगलाती है ना, हाँ बाबा पर असलियत क्या है वो तो सबको पता है छुटकी। हाँ बढ़िया सबको पता है वाली है, ये 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 कहीं के पर तो बड़ी बोली आता है इसको, और आता ही क्या है इसको, आता ही क्या है, पता ही क्या है इसको। फिर हम लोग चल रहे गंगा नदी से घूरते हुए वापस घर, और गाइस इतना मज़ा आया ना, एक्सपीरियंस मेरा बहुत मस्त था, सच बता रहे मैं एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था।
इतना अच्छा कि इतना अच्छा कि रोज आते जाए पर नहीं आ सकते। वो तो छोटे बयाने का मौका मिल गया है, वो भी बड़े मुश्किल से। मेरे बिहारी जी को बस तुला दिए मम्मी, ये मेरे बिहारी जी।